अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आमना। उम्मीद है कि आप सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अब चंद ही रोज़े बाकी हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना ईद के आने से पहले पहले मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर दूं, जो कि है शीर खुरमा की। ये रेसिपी मुझे मेरी अम्मी ने सिखाई थी। बहुत मज़ेदार किस्म की, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगा हुआ जो बेल आइकन है उसको दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन से मिल जाए और मेरी रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो दोस्तों, डेज़र्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेरा ऑल द टाइम फेवरेट मिल्क ऑलपर्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मैं अपने तमाम मीठे इसी में बनाती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर, हस्बैंड, भाई बहन, अम्मी अब्बू, इन सबको आपका बनाया हुआ मीठा बहुत पसंद आए, तो आप भी कोशिश करें कि इसको ऑलपर में ही बनाएँ। वैसे तो खुले दूध में भी बन सकता है, लेकिन इसका वो टेस्ट नहीं आता जो कि ऑलपर में आता है। ऑलपर को आपने यहाँ पर लेना है 1.5 लीटर, और इसको तकरीबन 35 मिनट तक पकाना है। 30 से 35 मिनट तक इसको आपने हल्की आंच पर उबलने देना है, और इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी। जब ये 35 मिनट तक उबल जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर स्लाइटली चेंज हो जाएगा, ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। जब कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा, ये साथ गाढ़ा भी हो जाएगा। तो हमने इधर शामिल करने 7 से 8 बारीक कटे हुए छुहारे, जो कि मैंने भिगो दिए थे 2 से 3 घंटे के लिए, और दरमियान से काट लिया था। उसके बाद इसके अंदर शामिल करना है खोया। खोया मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम। चाहे तो खोए को ऐसे शामिल कर लें या छोटे छोटे पीसेस में काट लें। दूसरी साइड पर मैं ले रही हूँ एक नॉन स्टिक पैन, और इसके अंदर शामिल करना है 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसके बाद इसके अंदर शामिल करने हैं बादाम। बादामों को मैंने लेकर भिगो दिया था और इनका छिलका उतार के बारीक काट लिया था। यहाँ पे मैंने लिए हैं 10 से 12 बादाम और इनको बारीक काट लिया। और इसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल करना है पिस्ते। पिस्तों को नहीं भिगोना, पिस्तों को बग़ैर भिगोए ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन लिए हैं 20 से 25 पिस्ते और इनको भी बारीक काट लिया था। इन दोनों चीज़ों को मैंने हल्की आँच पर फ्राई करना है, बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करना है। आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। अगर मैंने यहाँ पर आंच को थोड़ा सा भी तेज़ किया तो ये जो मेरे मेवा जात हैं वो ओवर रोस्ट हो जाएंगे और बिल्कुल कड़वे हो जाएंगे। मैं यहाँ दोबारा बता दूं कि आपने इन मेवा जात को फ्राई करते हुए बिल्कुल आंच को बहुत हल्का रखना है और चम्मच को हिलाते जाना है, ताकि आपके मेवा जात ना जल जाएं, अदरवाइज़ इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। साथ ही साथ मैं शामिल करने जा रही हूँ यहाँ पर बारीक सिवैयाँ, जिनको मैंने लेके और बिल्कुल बारीक तोड़ लिया था। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक पैकेट, जो नॉर्मल मार्केट में एक पैकेट आता है वो वाला, या आप इसको कह सकते हैं 1.5 कप। इन सिवैयों को और इन मेवा जात को मैं हल्की आँच पर भूनूँगी और चम्मच को चलाती रहूँगी। सिवैयों की ख़ास बात यह होती है कि जैसे ही अगर इसका चम्मच रोक दिया जाए तो ये नीचे से फौरी तौर पर लगना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए आपने अपना हाथ नहीं रोकना और चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। यहाँ पे इसको 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई करनी है, और उसके बाद मैंने इसका जो आँच है वो बंद कर देनी है। आँच बंद करने के बाद भी बर्तन में थोड़ी सी जो हीट बाकी रह जाती है, तो आप जब इसका फ्लेम बंद कर दें तो उसके बाद भी इन सिवैयों को हिलाते रहें, ताकि नीचे से ना लग जाएं। बस मेरी सिवैयाँ जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं, और अब मैं यहाँ पे चूल्हे को बंद कर रही हूँ। दूसरी साइड पर दूध के अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 250 ग्राम शुगर, और दूध जो है वो भी हल्की आंच पर पक रहा था। दूध के अंदर मैंने खोया मिक्स किया और दूध के अंदर मैंने छुहारे मिक्स किए। छुहारों को आपने लाजमी तौर पर भिगोना है, 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें, या ओवरनाइट भी भिगो देंगे तो कोई मसला नहीं है। और उसके बाद उसको काट के उसकी गुठली जो है वो लाजमी निकाल दें, जो ऊपर छोटा सा छिलका होता है वो भी उतार दें, ताकि खाते हुए किसी के मुँह में ना आए। और अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ सिवैयाँ, जो कि मैंने हल्की आँच पर फ्राई की थी बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के, और इनके अंदर मैंने मेवा जात भी डाले थे जिनमें था पिस्ता और बादाम। ठीक है जी, इसको डालने के बाद मैं इसको पकाऊंगी, और जब तक पकाऊंगी जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। सिवैयाँ डालने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने इस मिक्सचर को पकाया है, और सिवैयाँ मुकम्मल तौर पे गल चुकी हैं। इस पॉइंट पे आप एक चम्मच के साथ भी चख सकते हैं कि सिवैयाँ गल गई हैं या नहीं गली। और इसके बाद जो है मैंने चूल्हे की आंच को बंद कर दिया है। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी। आपने ये इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। अगर आपने इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा किया, तो जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे और बाहर निकालेंगे, तो ये बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ होगा और ये खाने
खाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि सेवैयाँ बहुत ज़्यादा मिल्क जो है वो सोक कर लेती हैं। तो इसलिए आपने इतना दूध इसमें ज़रूर छोड़ना है जितना कि आपको इस वक्त मेरे जो है पैन में नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना ये अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ काजू। काजू के मैंने दो पोर्शंस किए थे, काजू के मैंने दरमियान से काटा था। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ किशमिश। 12-15 किशमिश आप ले लें और उनको अच्छी तरह से धो लें। इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है, चाहे तो थोड़ा सा सोख ज़रूर कर लें पानी के अंदर और उसके बाद शामिल करें। तो जी जनाब, मज़ेदार किस्म का जो हमारा शीर खुरमा है वो रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगा हुआ जो बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबा दें। शीर खुरमा की जो डेकोरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि खाने वालों को भी मज़ा आए, आपकी प्रेजेंटेशन का भी और आपकी कुकिंग का भी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।